हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ इन हिंदी में आपका स्वागत है। गाय बहुत ही शांत और सौम्य पशु है। हिंदू धर्म में यह पवित्र और पूजनीय मानी जाती है। ज्योतिषी के अनुसार बड़े बड़े शास्त्रों में गाय की बड़ी महिमा बताई गई है। आइए आज हम बताते हैं गाय के 11 शकुन और अपशकुन जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। पहला, ज्योतिष में गोधूली का समय विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। दूसरा, यदि यात्रा के प्रारंभ में गाय सामने पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने आ जाए तो यात्रा सफल होती है। तीसरा, जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। चौथा, जन्म पत्री में यदि शुक्र अपनी नीच राशि कन्या पर हो या शुक्र की दशा चल रही हो या शुक्र अशुभ भाव में स्थित हो तो प्रातःकाल में भोजन में से एक रोटी सफ़ेद रंग की गाय को खिलाने से शुक्र का नीचत्व शुक्र संबंधी कुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। पांचवा, पितृदोष से मुक्ति। सूर्य चंद्रमा मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो तो दृष्टि संबंध हो और मंगल की युति राहु और केतु के साथ हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष है तो गाय को प्रतिदिन या अमावस्या को रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। किसी भी जन्मपत्री में सूर्य नीच राशि तुला पर हो या अशुभ स्थिति में हो अथवा केतु के द्वारा परेशानियां आ रही हो तो गाय में सूर्य केतु नाड़ी के होने के फलस्वरूप गाय की पूजा करनी चाहिए, दोष समाप्त हो जाएगा। सातवां, यदि रास्ते में जाते समय गौमाता आती दिखाई दे तो आप उसे अपने दाहिने से जाने देना चाहिए, यात्रा सफल होगी। आठवां, यदि बुरे स्वप्न दिखाई दे तो मनुष्य गो माता का नाम ले, बुरे स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे। गाय के घी का एक नाम आयु भी है, आयुर्वेद धृतम। अतः गाय के दूध से घी से व्यक्ति की दीर्घायु होती है। हस्तरेखा में आयु रेखा टूटी हुई हो तो गाय का घी काम में ले, गाय की पूजा करें। दसवां, देसी गाय की पीठ पर कुबड़ होता है, वह बृहस्पति है। अतः जन्म पत्रिका में यदि बृहस्पति नीच राशि मकर में हो अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग पर शिवलिंगी रूप कुकुट से दर्शन करने चाहिए, गुड़ या चने की दाल खिलाकर गाय को रोटी भी दे। ग्यारहवां, गौ माता के नेत्रों में प्रकाश स्वरूप भगवान सूर्य ज्योत्सना के अधिष्ठाता चंद्रदेव का निवास होता है। जन्म पत्री में सूर्य चंद्रमा कमजोर हो तो गो नेत्र के दर्शन करें, लाभ होगा। न्यूज़ पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।